नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी के पुनर्गठन का सिलसिला जारी रखते हुए बीरबल दास ढालिया को, जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और उनको पार्टी का हरियाणा प्रदेश इकाई का प्रदेशाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। बीरबल दास ढालिया जब से अवकाश पर आए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, तभी से वे पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी का कार्यभार संभाला। इसके अलावा पुरानी राष्ट्रीय कमेटी में वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कार्यभार भी संभाले हुए थे। पुनर्गठन में एक और महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने व्यवहारिक रूप से पिछले 6 वर्षों से पार्टी की कमान संभाले हुए इलाहाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला को प्रदेश प्रधान महासचिव नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा पानीपत से ओम प्रकाश, माटा रेवाड़ी से सुनील यादव, घरौंदा से पूर्व विधायक श्रीमती रेखा राणा, करनाल से कंवरजीत सिंह प्रिंस, कैथल से पूर्व मंत्री सुरेंद्र मदान और सोनीपत से इंद्रजीत दहिया को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि बरवाला से विधायक वेद नारंग, सोनीपत से पूर्व विधायक राम कुमार सैनी, पलवल से महेंद्र सिंह चौहान, आदमपुर से राजेश गोदारा, नरवाना से बलदेव वाल्मीकि, डबावली से पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम व बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भिवानी से डॉक्टर केसी काजल, गुरुग्राम से किशोर यादव, यमुनानगर से दलमीरा सैनी, नारनौल से सतवीर बड़ेसरा, अवकाश प्राप्त हरियाणा सिविल सर्विस से जगतार सिंह सदू को और तथा पटौदी से पूर्व विधायक रामवीर, मेवात से एडवोकेट अयूब खान और करनाल से रामकुमार एबला को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। और अनुशासन समिति का अध्यक्ष पहले की तरह ही पूर्व विधायक शेर सिंह बडशामी ही बने रहेंगे और नक्षत्र सिंह मलहान कार्यालय सचिव और प्रोफेसर हरबंस सिंह मुख्य मीडिया संयोजक का कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों के अध्यक्षों के नामों की भी घोषणा की गई है, जो कि लिस्ट काफ़ी लंबी है। और राज्य के विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजकों की नामों की भी घोषणा की गई है, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। लेकिन सिरसा से अर्जुन चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र इकाई ISO का राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इनेलो की हरियाणा प्रदेश इकाई को पूरी तरह से पुनर्गठन में लाया गया है। अलग अलग पदों पर सभी को कार्यभार भी संभाल दिया गया है। विधानसभा को लेकर के नई रणनीति शायद इसी तरह से गठित की जाएगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।